किड्स स्टोरी कॉर्नर। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़ू को बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना? सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करे तो क्या करे, मुर्गी के कुकड़ को से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी कितनी देर और सोओगे, उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वह अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी, वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया, और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है, ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ? अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया।